हम आजकल लाइफ में हर चीज़ को अपग्रेड करते हैं, तो टैंक्स में भी तो होने चाहिए। सो लेट्स अपग्रेड आवर सो कॉल्ड नॉन अपग्रेडेबल चीप फिल्टर्स, स्टार्टिंग विद द मोस्ट यूज्ड स्पॉन्ज फिल्टर्स। स्पॉन्ज फिल्टर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बट थोड़े ही दिन बाद लोग उसके बुड़ 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 वाली आवाज़ से परेशान हो जाते हैं। उसको बंद तो नहीं कर सकते, बट चलो आज हम उसको कम करें। सबसे पहले अपने स्पॉन्ज फिल्टर को डिसअसेंबल करेंगे और फिर इस पार्ट को लेके उसके इन सपोर्ट्स को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इस पार्ट में एक सिलेंड्रिकल एयरस्टोन को दबा के फिट करेंगे। डोंट वरी, सबका साइज सेम होता है तो आपका भी होगा। फिर हर चीज़ को फिट करके स्पॉन्ज फिल्टर को वापस असेंबल करेंगे स्पॉन्ज फिल्टर टैंक के अंदर। आप अब नोटिस कर सकते हो बबल्स काफ़ी स्मॉल आ रही है और बुड़ 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 वाली आवाज़ भी काफ़ी कम हो चुकी है। वेल दैट्स इट। नेक्स्ट इंटरनल फिल्टर। इंटरनल फिल्टर का ये फिल्ट्रेशन चैम्बर खोल के उसका स्पॉन्ज निकाल लेंगे और उसको हाफ कट कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बायोमीडिया, जो भी अवेलेबल हो डाल दो। मैं हमेशा लावा रॉक्स और सिरेमिक रिंग्स डालता हूँ। मैं मीडिया को नीचे डालता हूँ क्योंकि मुझे इन्हें होल्डिंग टैंक्स में रखना पड़ता है और वीकली स्पॉन्जेस को साफ करना पड़ता है, सो नीचे ईजी पड़ता है। बट आप स्पॉन्ज नीचे और मीडिया ऊपर डालना, वैसा करके बायोमीडिया काफ़ी ज़्यादा दिन चलेगा। दैट्स इट। आपका इंटरनल फिल्टर अब बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन भी कर रहा है, थोड़ा ही सही बट पहले से काफ़ी बेटर। नेक्स्ट, हैंग ऑन बैक फिल्टर्स। हैंग ऑन बैक फिल्टर को खोल के सबसे पहले इन यूजलेस कार्ट्रेजेस को फेंक देंगे, नॉट लिटरली बट इनको निकाल दो। और अब इस कंपार्टमेंट में बहुत सारा बायोमीडिया डाल दो और फिर बीच वाले कंपार्टमेंट में छोटे छोटे वाले बायोमीडिया डाल दो। अब कोर्स वाला स्पॉन्ज लेके साइज में कट करो और सेम चीज़ फाइन वाले स्पॉन्ज के साथ भी कर दो। कोर स्पॉन्ज को पीछे और फाइन वाला आगे। दैट्स इट। अब आपका हैंग ऑन फिल्टर भी बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए रेडी है। नेक्स्ट, टॉप फिल्टर्स। टॉप फिल्टर्स का अपग्रेडेशन सबसे इजी है। आपका भी टॉप फिल्टर कुछ ऐसे ही दिखता होगा। ऊपर का स्प्रे बार निकालने के लिए बस आराम से उसको ऊपर खींचो। दैट्स इट। अब फिल्टर पैड को साइड करके हम काफ़ी सारा बायोमीडिया इस कंपार्टमेंट में डालेंगे। फिल्टर पैड को वापस अपनी जगह लगा देंगे, स्प्रे बार वापस अपनी जगह और दैट सेट। आपका टॉप फिल्टर भी अब रेडी है। नेक्स्ट आता है कैनिस्टर फिल्टर, और उसमें बायोमीडिया डालना सबसे आसान होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंपार्टमेंट्स होते हैं। सो जस्ट कोई भी वीडियो देख लो एंड दैट्स इट। वेल, अगर आप सोच रहे हो कि बायोमीडिया का क्या फ़ायदा है, मैं बताऊँगा बट पहले आपको वीडियो लाइक करना होगा। जस्ट किडिंग। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन से पानी काफ़ी साफ तो लगता है, बट आप अमोनिया और नाइट्राइट की बात करें तो वो तो आंखों से दिखता ही नहीं और हम नोटिस भी नहीं कर सकते हैं, तो उसका क्या। वहीं पे बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन हेल्प करता है बायोलॉजिकल बैक्टीरिया को कॉलोनाइज करने में, जो इन रिटर्न अमोनिया को ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्राइट्स में और फिर आगे नाइट्रेट्स में। इस कॉम्बो फिल्ट्रेशन से पानी बस विपरीत से ही नहीं बट अमोनिया से भी फिल्टर्ड रहता है। तो वेट क्या कर रहे हो, आज ही करो क्योंकि ये आपके टैंक्स को और भी बेटर बनाएंगे। दैट्स माई प्रॉमिस। आपकी अगर कुछ अलग राय है तो प्लीज़ एनलाइटन मी, कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैप्पी फिश कीपिंग।